इट फील्स कि आपके पर्सन की लाइफ से वो चमक चली गई है जो आपके आने से हुआ करती थी। उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर पैशन नहीं रहा, वो सिर्फ आपको लेकर पैशनेट हुआ करते थे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है या वो इस कनेक्शन में बहुत सेल्फिश रहे हैं। उन्होंने ही ये रिश्ता ख़त्म किया है और आपको टूटे हुए दिल के साथ छोड़ दिया है। इट फील्स कि वो आपकी एनर्जी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए क्योंकि वो आपके लिए तब फील नहीं करते थे और आपकी केयर और पैशन देखकर वो थोड़े से घबरा से गए। उन्हें लगा कि आप उन्हें फ्यूचर में कंट्रोल कर सकते हो जो वो कभी होना नहीं चाहेंगे। आपके पर्सन की सेल्फिशनेस इस कनेक्शन में कुछ इस प्रकार से झलकती है कि उन्होंने हमेशा खुद का सोचा, कभी उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। आई सी कि उन्होंने कभी एफर्ट्स भी नहीं किए, वो सिर्फ एफर्ट्स लेना पसंद करते थे। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी और वो चाहते थे कि वो इस कनेक्शन को अपने कंट्रोल में रखें, आपको इतनी पावर ना दें जिससे आप उन्हें या इस कनेक्शन को कंट्रोल करने लग जाएं। आई फील कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, उनको अपनी गलतियां या तो नज़र नहीं आती या वो जानते हुए भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके अंदर इतने गट्स नहीं हैं कि वो अपनी गलतियों को आपके सामने एडमिट करके आपसे माफ़ी मांग पाएं। आई कैन सेंस कि इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी था, वो दोस्त हो सकते हैं या फैमिली या कोई थर्ड पर्सन। आई सी कि आपका पर्सन काफ़ी प्रेशराइज्ड फील करता था और अक्सर डिसीजंस नहीं ले पाता था। हो सकता है कि उन्होंने आपको मजबूरी में छोड़ा हो या फ्रस्ट्रेटेड होकर। आपका पर्सन इस कनेक्शन से खुश नहीं था, कुछ कश्मकश ऐसी थी जो उनके अंदर चलती रहती थी और उन्हें परेशान करती थी। वो कह नहीं पाते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। आई फील कि इस कनेक्शन से ज़्यादा ना खुश वो खुद से थे। उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी अपने एक्शन से या उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे जैसे वो चाहते थे। लेकिन अब आपका पर्सन ये रियलाइज़ कर पा रहा है कि उन्होंने दूसरों को बहुत हर्ट करा है अपने एक्शन से। पहले वो नाखुश थे लेकिन जब से आपके साथ उन्होंने गलत किया है तब से वो और ज़्यादा परेशान और हताश हो गए हैं, क्योंकि डीप डाउन उनको लगता है कि आप ऐसा बिहेवियर डिज़र्व नहीं करते थे। आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता था और काफ़ी लंबे समय तक चल सकता था अगर वो आपको धोखा नहीं देते या आपको छोड़ के नहीं जाते। वो आपके साथ बहुत सिक्योर फील करते थे और उनका ये मानना था कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बैक ऑफ द माइंड आई सी कि वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं। उनको लगता है कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो और आपके अंदर इतनी पावर है कि आप किसी को भी अपना बना सकते हो। ये सोचकर वो डरते भी हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी और के भी हो। फिलहाल आपका पर्सन अभी अपने ऊपर फोकस कर रहा है, लाइक उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर, क्योंकि वो पास्ट में काफ़ी परेशान रहे हैं और इस वजह से उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिस वजह से उनके अंदर कभी कभी कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और वो नहीं चाहते कि आपके सामने उनका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाए। इसलिए वो थोड़ा टाइम चाहते हैं ताकि वो खुद को आपके लिए कैपेबल बना पाएं। आई बिलीव कि आपका पर्सन कन्फ्यूज भी है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं या आपके लिए वो कंपैटिबल हैं या नहीं, या उन्हें आपको फेस करना चाहिए या नहीं, बिकॉज अब वो आपको फेस करने से भी डर रहे हैं। बाहर से वो दिखाते हैं कि उनसे ज़्यादा परफेक्ट और कोई नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके ख्यालात उनके एक्शन से नहीं मिलते। आईसी की पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे कई झूठ बोले जिसका आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब आपको वो सब सोचकर बहुत हर्ट होता है।
आपको ऐसा लगता है कि आपने खामखा इतना सफ़र किया, अब आपका पर्सन चाहता है कि वो आपको सब सच बताएं कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील कि आपके पर्सन को रियलाइज होता है कि उनके एक्शन से उनको कोई फायदा नहीं हुआ है और अब उनको अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने थॉट्स डेवलप करने चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आएं और उनके हिसाब से ये तभी हो पाएगा जब वो खुद को बदलेंगे। इट फील्स कि आपके पर्सन की लाइफ से वो चमक चली गई है जो आपके आने से हुआ करती थी। उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर पैशन नहीं रहा, वो सिर्फ आपको लेकर पैशनेट हुआ करते थे और अब जब आप उनके साथ नहीं हैं तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि कुछ तो है जो मिसिंग है और फिर उनके थॉट्स आप तक स्ट्रक कर जाते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ सच में अधूरी है। आई गेट अ वाइब कि आपका पर्सन अभी प्लानिंग स्टेज में है, उनको खुद को प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको कि अब वो वास्तव में बदल चुके हैं और आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उन पर शायद विश्वास ना कर पाओ, लेकिन वो फिर भी एक कोशिश करना चाहते हैं और इसलिए वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना है और कैसे खुद को आपकी नज़रों में एक अच्छा इंसान प्रूव करना है। अब आपका पर्सन चाहता है कि वो खुद सामने आए और इस कनेक्शन को ठीक करें, वो लीड लेना चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। वो अंदर ही अंदर आपको बताना चाहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि उन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है। आपका पर्सन फिलहाल बहुत दुखी है और वो अपने इस दुख को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आपको बेहद याद करते हैं और आपके बिना अब रह नहीं पा रहे हैं। उनकी ईगो भी ख़त्म हो चुकी है, उनके करेक्टर में बदलाव आ रहा है जो आप दोनों के लिए ही अच्छा है। ऐसी कि आप अब भी उन्हें चाहते हैं और उनके साथ फ्यूचर स्पेंड करने के सपने देखते रहते हैं, लेकिन आपके ये सपने सपने नहीं रहेंगे, हकीकत में ज़रूर बदलेंगे। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन को अब इस कनेक्शन में वो पोटेंशियल नज़र आता है जो पहले नहीं आता था। उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो और कोई और थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। पहले वो प्रेशराइज्ड फील करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने माइंड को फ्री कर लिया है और उनके दिमाग में सिर्फ आप ही घूमते रहते हो। आई फील कि उनको अपने डिसीजन पर विश्वास नहीं हो पाता। उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनके लिए गए फैसले गलत साबित ना हो जाएं, इसलिए भी वो बहुत सोच समझकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं ताकि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। वो सोचते हैं पास्ट में उनके द्वारा लिए गए फैसलों से वो खुद ही दुखी हुए हैं, तो इस बार वो थोड़ा कदम समझदारी से उठाएं। आई सी कि आप उनके साथ बहुत काइंड रहे थे, आपने उनको बहुत समझा, आपने उनके धोखे को भी पॉजिटिव वे में लिया, ये सोच कर कि आप खुद पर वर्क कर पाएंगे। हालांकि सेपरेशन ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आपका पर्सन आपको यूं धोखा देगा और अब आप चाहते हो कि आपका पर्सन अगर आपके पास आए तो एक श्योरिटी के साथ आए कि वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। आई फील कि शुरुआत में आपके पर्सन को लगता था कि ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए ही है और वो अक्सर खुद से झूठ भी बोला करते थे कि वो आपके लिए कुछ फील नहीं करते, लेकिन अब जब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ साथ खुद के साथ भी बहुत गलत किया, वो अब आपके सामने फ्रैंक होना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। इट फील्स कि आपने उनको इमोशनली बहुत सपोर्ट करा, इसलिए वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते थे और अब वो चाहते हैं कि ये सपोर्ट उनको लाइफ टाइम के लिए हासिल हो जाए। आपका पर्सन ये भी चाहता है कि उनको इस स्टेप के लिए हार का सामना ना करना पड़े, उनका ये एफर्ट कामयाब रहे और आप उन्हें माफ़ कर पाओ। हालांकि वो माफ़ी के लायक नहीं है,
बट वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की। आई बिलीव कि वो दिन दूर नहीं जब आप दोनों साथ होंगे और इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी, एक हेल्दी शुरुआत जिसमें आप दोनों काफ़ी खुश रहेंगे। ऐसी कि इस दिन का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और आपका ये इंतज़ार जल्द ख़त्म होगा भी। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। इनर चाइल्ड, ये फेरी आपको प्लेफुलनेस रिमाइंड कराने आई है। ये कहना चाहती है कि जो आपके अंदर छुपा छोटा सा बच्चा है, आपको उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। इन सब परेशानियों के चलते आपको अपने अंदर के बच्चे को नहीं मारना चाहिए। आपको लाइफ के इस मोमेंट में कुछ सिली और फन करना चाहिए अपने अंदर के बच्चे को दिल से जवान रखने के लिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो आपके आसपास नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपसे दूर जाना शुरू होंगी। जिसने आपको रुलाया है अब वो भी रोएगा। कैसे जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।